ये आवाज नहीं हो सकती ये भारत मां के बेटे और बेटियों की आवाज नहीं है और वास्तव में तो भारत माँ ने बेटे और बेटियां तो पैदा ही नहीं किए भारत मां ने तो सिंगनी और शेर पैदा किए और जब सिंगनिया और शेर दाड़ते हैं तो सौ सौ किलोमीटर दूर खड़ा हुआ दुश्मन भी थर्राता है यह हंसराज कॉलेज में पता चलना चाहिए परमवीर वंदन का प्रोग्राम है और वहां देश के वो परमवीर को वंदन करते हुए इतनी उनकी ऊर्जा शक्ति पूरे हंसराज कॉलेज में प्रवाहित होनी चाहिए पहुंचेगी हिंद यू ही आपका जोश निरंतर बना रहे ऐसी शुभकामनाएं हैं और आज मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि इतने बड़े शिक्षाविद व्रजन जिनके सानिध्य में जो इस समाज और राष्ट्र को युवाओं को एक नई दिशा दिखा रहे हैं और सच कहा था अभी कुठारी जी सर ने कि ये जो विश्व का भूखंड का एक छोटा सा भूखंड है पूरे विश्व की धरती को कोई किसी को माँ नहीं बोलते हैं बस इस भूखंड को माँ बोलते हैं क्यों बोलते कोई विशेष कुछ भी नहीं जैसे वो है धरती ऐसे ही ये धरती है तो ये देश सीमाओं से नहीं बनता कागज खींची लकीरों से नहीं बनता है ये देश बनता है देश के नागरिकों से किसी कवि ने बहुत अच्छा कहा है कि सीमाएं नहीं बना करती कागज खींची लकीरों से ये तो घटती बढ़ती रहती हैं वीरों की शमशीरों से तो मैं परमा आदरणीय प्रोफेसर बलराम जी जो डीन ऑफ कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं और हमारे आई के परम आदरणीय कोठारी जी प्रिंसिपल मैम और तमाम सम्मानित जो भारत के वो एक नई दिशा दिखाने वाले जो योद्धा हैं मैं उनको बुज़ुर्ग नहीं कहूँगा योद्धा हैं वो लीडर्स हैं और देश की युवा शक्ति आप सबको प्रणाम और वंदन भी करता हूँ आज अभी बात चल रही थी और उसी बात को मैं आगे बढ़ाता हुआ कह रहा हूँ कि हम हैं क्या हम हैं क्या हम शरीर हैं या सोल है शरीर तो हम नहीं हैं हम तो एक सोल हैं और ये इसका एहसास मैं आपको अभी कुछ देर के बाद मैं करा दूंगा कि आप एक सोल हैं आप बॉडी नहीं हैं आप एक एनर्जी के पूंज हैं और शायद आपने आज तक जो एनर्जियों की बातें सुनी होंगी लेकिन एनर्जी का प्रयोग करके उसको एहसास नहीं किया होगा आपको उस प्रयोग का भी बारे में आज जो है एहसास करा के जाऊंगा कि आपके पास एनर्जी है और वो एनर्जी किस तरह से आपको आप उसके संपर्क में आते हैं आज आपको एक और चीज बता के जाऊंगा कि आपने नाम सुना होगा पावर ऑफ विजुअलाइजेशन सुना है ना कभी इसका प्रैक्टिकल किया आज उसका भी प्रैक्टिकल करके जाएंगे हम कि हम पावर ऑफ विजुलाइजेशन कि हमारा माइंड जब हम कोई विजुलाइजेशन करते हैं तो माइंड किस प्रकार से इस बॉडी के ऊपर इफ़ेक्ट डालता है और इस बॉडी को उस तरफ चलाता है मैं कोई प्रोफेसर नहीं हूँ आपके पास बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर हैं मैं एक भारतीय सेना का एक छोटा सा सैनिक हूँ और इस भारत माँ का सेवक हूँ बस कोशिश थी और कोशिश इसलिए कि जब हम कोई चीज पढ़ते हैं सुनते हैं देखते हैं तो हमारे भाव जागृत होते हैं और वो भाव हमें एक पर्पज देते हैं अभी तक आपने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े होंगे लेकिन ये थ्री पी का फॉर्मूला अगर आप अपने जीवन में अप्लाई करेंगे कोई भी किसी भी वर्ग का किसी भी प्रोफेशन का कोई भी है अगर मैं खाना खा रहा हूं यार मेरा पर्पज़ क्या खाना खाने का अगर जब तक इंसान को अपना पर्पज मालूम नहीं है वो भटकता रहेगा और जब पर्पज क्लियर हो जाएगा तो एक व्यक्ति के पास चार प्रकार की शक्तियाँ एट ए टाइम होती हैं पहले उसकी शरीर की शक्ति दूसरा उसका मन की शक्ति तीसरा उसका बौद्धिक समझ की शक्ति और चौथी वो स्पिरिचुअल शक्ति जो एट ए टाइम हमारे साथ में होती है सबसे पहले जीवन में पर्पज हक में अगर कुछ पढ़ रहा हूं कॉलेज आया हूं या आई हूं मेरा पर्पज क्या है क्यों पढ़ना है मुझे मैं पिछले दो महीने में जो ये मेडिकल स्टूडेंट होते हैं जो साइंस नीट की तैयारी करते हैं जो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं एक लाख साठ हजार आप जैसे भारत के युवाओं से मिलकर के आ रहा हूं उनसे मैं पूछा डॉक्टर क्यों बनना है मम्मी ने बोला है इंजीनियर क्यों बनना है पापा ने बोला है एक लाख साठ हजार स्टूडेंट में से सिर्फ एक स्टूडेंट को पर्पज बोला सर मुझे क्लियर है मगर क्या है तेरा बोला सर पैसा कमाना इसलिए डॉक्टर बनना है हाँ तो उसको पर्पज क्लियर है ना पैसा कमाएगा वो इसलिए डॉक्टर बनना है वो आप यहां पे हंसराज कॉलेज में आए हैं ग्रेजुएशन में आ गए हैं तो आपका पर्पज क्यों क्या है जब तक मेरा पर्पज जीवन का क्लियर नहीं होगा तब तक मेरे अंदर पैसन नहीं आएगा दूसरा पी पैसन पैसन नहीं आएगा क्योंकि ये पैसन ही हमारी तमाम शक्तियों को एकाग्र करता है एक साथ जोड़ता है तभी उसमें वो पैसन पागलपन होता दीवानगी होती है आपने घोड़ा देखा है शायद अभी वो घोड़ा बग्गी नहीं चलती हैं पहले वो चलती थी घोड़ा बग्गी, अभी भी चलती है यहाँ से पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जाना ठीक है उसके यहाँ पे ऐसे बंदा होता घोड़े के वो किस लिए बांधते हैं इधर उधर ना देखें पैसन जुनून पागलपन और अगर जब पैसन आ गया है तो इसके साथ जुड़ जाता है हार्ड वर्क हार्ड एच डी एफ सी का सुना होगा ना नाम आपने है ना एच डी एफ सी क्या है बैंक।, बैंक है बैंक नहीं है वो हमारे जीवन से फॉर्मूला है वो एच से वर्क होता है और डी से डिटर्मिनेशन दृढ़ संकल्प अगर आप हार्ड वर्क करने क्या दृढ़ संकल्प लेते हैं तो एफ फोकस आपके एम के ऊपर फोकस बन जाता है और जब फोकस बनता है तो सी सेक्रीफाइज किस चीज का आपकी अपनी मनमर्जी का जो आप अपनी मनमर्जी से खाते हैं सोते हैं और जो कामें कर काम करते हैं उसमें सेक्रीफाइज करना पड़ेगा तभी आप अपने पैसन में बंध पाएंगे और फिर तीसरा पी स्टार्ट होता है क्या हो सकता है तीसरा पी परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस कि जब आप इस तरह का काम करेंगे तो आपका परफॉर्मेंस किस स्तर तक पहुंच सकता है किस पराकाष्ठा तक आप जा सकते हो यह शायद आपको भी एहसास नहीं है आभास नहीं है तो यह चीज करने के लिए डीएससी क्या है डीएससी का फुल फॉर्म जानते हो नहीं जानते हो डिफेंस सिक्योरिटी कोर है ना जो फौजी रिटायरमेंट होते हैं उसके लिए जो है ना डीएससी की भर्ती होती है लेकिन ये हमारे जीवन लाइफ से है कनेक्टेड डी डिसिप्लिन अगर ये चीज कर रहे हो डिसिप्लिन जीवन में नहीं है आप कुछ प्राप्त ही नहीं कर सकते हो एस सेल्फ कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास और आत्मविश्वास किससे आता है निरंतरता कंटिन्यूटी सी जब आपकी नरा लगातार आप अभ्यास करते हैं उससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और यह आपने प्रत्यक्ष रूप से अभी देखा होगा कि अभी ओलंपिक हुए थे उस भारत की बिटिया के पास हाथ नहीं है उसने पैरों से तीर कमान चला करके गोल्ड पर निशाना साथ दिया ये एक कॉन्फिडेंस तो मैं आपको पर्पज बताने के लिए आया हूं कि आपका जीवन का पर्पज क्या है मुझे अपने जीवन का पर्पज सिक्स क्लास से मालूम था क्योंकि मैं पिता से कहानियों को सुनकर के बड़ा हुआ था किताबों में पढ़ करके बड़ा हुआ था सिक्स क्लास में पढ़ा था कि एक हिंदुस्तान का ऐसा सैनिक जो टैंक से लड़ाई लड़ता है और आठ पाकिस्तानी पैटंट टैंकों को ध्वस्त कर देता है और नौवे पे निशाना लगाते लगाते मां भारती की गोद में सो जाता है जानते हैं उसका नाम अब्दुल हमीद उसको पढ़ा पिता बताया करते थे कि लाहौर में हम इकहत्तर में पहुंच गए थे चारों तरफ लाशें पड़ी होती हैं खाना नहीं मिलता पानी नहीं मिलता फिर भी वो लक्ष्य की तरफ बढ़ना होता है जिस तरह से आप बच्चे अभी जिज्ञासु हैं जानने की एक जिज्ञासा है तो मन में उठता है ना सवाल यार बिना खाना खाए बिना पानी पिए इंसान जिंदा कैसे रह सकता है तो काम करने की तो वो सोच भी नहीं सकता है तभी तो वो भाव जागृत हुआ मुझे पिता ने जो बताई परिस्थितियां उन पिता की परिस्थितियों में जाकर के रहना है उन परिस्थितियों में जीना है तो फौजी बनना है और फौजी क्यों बनना है यह भी पर्पज था युद्ध लड़ना है सिक्स क्लास में एक बच्चे की आयु कितनी होगी दस ग्यारह साल जिसको युद्ध की ए बी सी डी नहीं पता होती लेकिन उस समय से सिक्स क्लास से इन आंखों से सपनों को देख नहीं रहा था हृदय से उन सपनों को जी रहा था एक योद्धा हूं वर्दी पहनी हुई है और एक युद्ध लड़ रहा हूं क्योंकि अभी तो आप लोग सब सपने देखते हैं ना आंखों से देखते हो उन सपनों को जीना जब जिस दिन शुरू करोगे और सपना आपको पहले ही बताया कि सपना सोल से जिया जाता है और सोल क्या है उस अल्लाह वाहिगुरु और उस परमात्मा का जो है एक स्वरूप है उसका ही तो एक अंश है अगर आपके सपनों में आपके सपनों को साकार करने में परमात्मा शामिल हो गया तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं कि आपके उन सपनों को साकार होने से रोक सकती है आप वो बनना चाहेंगे जो बनना चाहेंगे वो बन जाएंगे आपको वहीं ले जाएगा आपकी तरह मैं भी एक सरकारी स्कूल में पढ़ करके बड़ा हुआ एलेवंथ पास किया ट्वेल्थ में आया सोलह साल पांच महीने की अवस्था थी फौज की भर्ती निकली भर्ती होने चला गया इतना कॉन्फिडेंस था कि एक बार में जाऊंगा तो भर्ती हो जाऊंगा और बच्चे का जो सबसे ज़्यादा गहराई जानकारी किसको होती है मां को होती है मां को आभास था एहसास था उन्होंने कहा कि जिस दिन यह जाएगा उस दिन भर्ती हो जाएगा पिता और भाई उनको जो है संशय था अरे नहीं क्या इसके लिए वैकेंसी अलग से निर्धारित कर रखी है लेकिन मां ने बड़े कॉन्फिडेंस से बोला कि जिस दिन यह जाएगा उस दिन भर्ती हो जाएगा और जिस दिन गया उस दिन में भर्ती होकर के आया और ऐसा नहीं है कि जो बड़ी विस्मित भरी निगाहों से आप देख रहे हैं कि यार ये बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति आकर के खड़ा हो गया मैं कोई शक्तिशाली व्यक्ति नहीं हूँ आप लोगों की तरह एक माँ के गर्भ से पैदा हुआ एक किसान और जवान का बेटा हूँ यहां से मात्र साठ किलोमीटर दूर मेरा गांव है वहीं से हूं मैं लेकिन एक अंदर से जो ज्वाला थी जो भाव थे उनको जीता हुआ ही तो गया और जब मैं अड़तालीस किलो का था मैं और पचास किलो का फौज में लेते हैं जब फिजिकल ट्रेन वो चल रहा था टेस्ट एक दर्जन केला खाया पानी पिया तब जाकर के पचास किलो वजन पूरा किए और मेरा अगले वाला साथी बोल रहा था यार पानी पीकर के और केले खाकर के पेट को फुलाएगा चेस्ट को फुलाएगा मैं वजन पूरा हो जाएगा तो चेस्ट अपने आप फूल जाएगी और भर्ती हो गया अभी आप अपने कैरियर की यहाँ पर हंसराज कॉलेज में ट्रेनिंग कर रहे हैं और मैं भर्ती होकर के अपनी फ़ौज की ट्रेनिंग में गया वो ट्रेनिंग और ये ट्रेनिंग में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है यहाँ आप पंखे में एसी में अपनी ट्रेनिंग करते हो आपका सुबह आठ से दस बजे आठ या दस बजे से आपकी क्लासेस शुरू होती हैं आप छः बजे उठते हो आराम से फ़ौज की ट्रेनिंग सुबह साढ़े तीन बजे शुरू होती है रात के ग्यारह बजे तक चलती है वो आग की तप्त तो भट्टी है तो उस एक साल उस आग की भट्टी में हमारे जो इंस्ट्रक्टर थे जिस तरह से आपके यहां पर प्रोफेसर अपने ज्ञान से क्षमता से कौशलता से आपके अंदर वो क्षमता योग्यता पैदा करना चाहते हैं ताकि वो चुनौ जीवन में आने वाली जो चुनौतियां हैं उनका आप आसानी से सामना कर सकें तो ऐसे ही हमारे वो इंस्टेक्टरों ने जो इस वहाँ पे टीचर थे उन्होंने नौ महीने तक अपनी क्षमता से सक्षमता से कौशलता से उस आग की भट्टी में तपाया क्योंकि जब नौ महीने के बाद एक सिविलियन बच्चा वो फिर फौजी बनकर के बाहर आता है और फौजी तो इस राष्ट्र का विश्वास और भरोसा होता है क्योंकि जब वो अपने बदन पर वो वर्दी पहनता है तो वो वर्दी कोई मामूली कपड़ा नहीं है वो लाखों करोड़ों सैनिकों के खून से संचित वो पावन पवित पुनीत वो वर्दी है वो राष्ट्र का विश्वास और भरोसा है वो तिरंगे की आन बान और शान है जिसके लिए वो पल भर में एक सैनिक अपने आप को कुर्बान करता है ऐसी वर्दी पहन करके पहली पोस्टिंग कश्मीर गया लेकिन आज एहसास होता है कि मैं गया ही नहीं था मुझे तो मेरे परमात्मा ने वहां पर भेजा था क्योंकि उस धरती पर कुछ दिन के बाद युद्ध होने वाला था और हम तो इन आंखों से उतना देख सकते हैं जितना देखा जा सकता है परमात्मा ने तो हमारे जन्म से लेकर के मृत्यु तक का पूरा पथ देखा हुआ है और बड़े युद्ध को लड़ने से पहले छोटे युद्धों का हिस्सा बनना जरूरी होता है आपको ट्वेल्थ कराया ना कराया ना ट्वेल्थ बोर्ड के एग्जाम देने पड़े ना किस लिए वो एक सीढ़ी थी आगे आगे जाने के लिए आपको ट्वेल्थ ना करा के स्कूल के बाद सीधा जो है इसमें ग्रेजुएशन में, में एडमिशन नहीं मिलता ना और मिल भी जाता तो आप वो कौशल वो क्षमता वो योग्यता वो नहीं आपके अंदर आ पाती वो समझ नहीं आ पाती तो बड़े युद्धों को लड़ने से पहले छोटे युद्धों का हिस्सा और उन्नीस से आज तक उस कश्मीर की धरती पर भारतीय सेना उग्रवादियों के साथ दहशत गर्दों के साथ एक युद्ध लड़ती हुई चली आ रही है उस युद्ध का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिला बहुत सारे टेररिस्टों को मारने का भी मौका मिला और धीरे धीरे समय अपनी गति से चलता रहा मेरे नौजवान साथियों जीवन में इस जिंदगी का सबसे बेशुमार कीमती चीज क्या है सबसे बेशुमार कीमती चीज यस टाइम जीवन का सबसे बेशुमार कीमती चीज है आज का एक पल कल पूरी दुनिया की दौलत को किसी के चरणों में डाल करके कहना कि मुझे कल का वो पल वापस चाहिए खरीद नहीं पाओगे और दुनिया में कोई इतना बड़ा धावक नहीं हुआ कि आज के इस एक पल को कल दौड़ करके पकड़ सके और इस समय की बहुत बड़ी ताकत और विशेषता भी है कि जो इंसान इस समय के साथ कदम से कदम मिलाकर के चला इस समय ने उसको उसके लक्ष्य तक पहुंचा दिया और इसकी और बड़ी विशेषता भी है अगर आप रुक गए तो आपकी बाजू पकड़ करके चलने वाला नहीं है यह आपको वहीं खड़ा हुआ छोड़ करके चला जाएगा इसलिए इस समय के साथ कदम से कदम मिला करके चली समय अपनी गति से चलता है वर्ष उन्नीस में आया जब भारत और पाकिस्तान दोनों ने परमाणु परीक्षण किया तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी समझ चुके थे उनका एहसास हो चुका था आभास हो चुका था कि दोनों ही मुल्क बारूद के ढेर पर आकर के खड़े हो गए और छोटी सी भी नफरत की चिंगारी पूरी मानवता का विनाश कर सकती है इसलिए उन्होंने शांति का पथ अपनाया और ये सत्य है जहां शांति होगी वहीं उन्नति और विकास होगा चाहे अगर विश्व प्रकृति पूरा जो अगर उन्नति और तरक्की करे तो विश्व के अंदर शांति चाहिए राष्ट्र की उन्नति और प्रगति के लिए राष्ट्र में शांति चाहिए अगर समाज की प्रगति और उन्नति करनी है तो समाज के अंदर शांति चाहिए और अगर एक व्यक्ति को ये व्यक्ति के ऊपर भी लागू है अगर एक व्यक्ति अपने जीवन में उपलब्धि प्राप्त करना चाहता है अपनी उन्नति और विकास करना चाहता है तो उसके मन और चित्त के अंदर विचारों की शांति होनी चाहिए अगर आपके अंदर शांति नहीं है विचारों का द्वंद्व आपके मस्तिष्क में चल रहा है तो आप कोई मुकाम पर पहुंच ही नहीं सकते तो उसी शांति को कायम रखने के लिए भारत सरकार ने समझौता एक्सप्रेस शुरू किया लाहौर बस यात्रा शुरू की गई ताकि ता दोनों मुल्कों की आवाम मैत्रीपूर्ण सौहार्दपूर्ण एक वातावरण में आगे बढ़ें मानवता का कल्याण हो और दोनों देश तरक्की की राह पर अग्रसर हो सकें लेकिन पाकिस्तान का जनरल परवेज मुशर्रफ वो नहीं चाहता था कि दोनों मुल्कों की आवाम के बीच शांति हो शोहरपूर्ण वातावरण हो तो उसने कारगिल बटालिक दरास तुर्तुक ऐसे सेक्टर ऐसी जगह जहां पर सर्दियों में माइनस सिक्सटी डिग्री टेम्परेचर जाता है कल्पना कीजिए माइनस सिक्सटी दिल्ली में पांच डिग्री तक आया था और हम अपने बिस्तर से निकलना नागुजार समझने लगे थे बुलाज तो छुट्टी कर लेते हैं और छुट्टियां हो भी गई थी स्कूलों की छुट्टियां हो गई थी बट आज भी आपके इस शहर के प्रदेश के आपके देश के वो बेटे और बेटियां उस माइनस सिक्सटी डिग्री टेम्परेचर में खड़े होकर के अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं ताकि इस देश का युवा ताकि इस देश का युवा अपने कैरियर को बना करके इस राष्ट्र को आंतरिक रूप से समृद्ध और सशक्त बना सके वो अपने कर्तव्य का दिन रात पालन करते हैं तो हमें भी वहां पर और ये सच कहा किसी ने कि कायरों की कोई जमीन नहीं होती है जो कायर और बुजदल होते हैं ना उनकी कोई जमीन नहीं होती है और ये भी है कि हम बहुत सारे जो है ये नौजवान मेरे से बात करते हैं मैसेजों हैं बोले सर फौज में जाना है लेकिन डर लगता है तो मैं उनको कह रहा हूं यार बुजदिलों की कोई जमीन नहीं होती यार काहिरों की कोई फौज नहीं होती है वहां तो शेर चाहिए भाई लड़ने के लिए वहां आपको एयर कंडीशन रूम नहीं मिलेगा वहां आपको पचपन डिग्री टेम्परेचर में टेंट में रहना पड़ेगा और माइनस फिफ्टी डिग्री टेम्परेचर में भी टेंट में रहना पड़ेगा क्योंकि देश की भौगोलिक स्थिति ऐसी है हमारा ऐसा ही है कहीं पचपन डिग्री है तो कहीं माइनस फिफ्टी डिग्री है दोनों में रहना पड़ेगा तो जिसमें साहस वीर है और देश के तो सारे नौजवान वीर ही हैं मैं आपको फौजी बनाने नहीं आया भाई अब ये सोच रहे हो सर फौजी की बात कर रहे हैं फौजी बनाने आया फौजी बनाने नहीं आया फौजी वर्दी से नहीं होता मन से होता है भगत सिंह सुखदेव राजगुरु ने कोई वर्दी नहीं पहनी थी लेकिन उनके अंदर देशभक्ति का जुनून था जज्बा था और वो तेईस साल का लड़का हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम करके और अपने इस देश के लिए कुर्बान हो जाता है अभी तक आपके आपने जीवन के रोल मॉडल बना लिए होंगे होंगे नहीं आप जिस तरह का आपने जीवन में रोल मॉडल बनाया है उसी तरह के आप बनेंगे इस निश्चित है और ये गुरुओं से सीखा है अगर आपके पांच दोस्त कर्मठ वाले हैं साहस वाले हैं और जीतने वाले की जीतने की इच्छा रखने वाले हैं तो छठे आप बनने वाले हो अगर आपके पांच दोस्त ऐसे हैं कि यार हमें तो फेल होना पढ़ना नहीं है हमें तो कुछ करना नहीं है तो छठे आप ही होने वाले हो संगत और रंगत जिस तरह की संगत होगी उसी तरह का रंगत आपके भाव बदले होने लगेंगे तो मेरा जो रॉयल मॉडल था वो इक्कीस साल का नौजवान जिसने टैंक से टैंक की लड़ाई लड़ी और पूरी एक इस को बर्बाद कर दिया और खुद माँ भारती की गोद में सो गया लेकिन गर्व तब हुआ जब वो पाकिस्तानी कमांडर हिंदुस्तान आकर के उसकी माँ के चरणों को छूता है और कहता है माँ तूने बेटा नहीं शेर को पैदा किया था जानते हैं उसका नाम जानते हैं उसका नाम नहीं जानते मैं तो पूरे देश में पूछता हूँ भाई नहीं जानते अच्छा क्रिकेटर और किसने कितनी सेंचुरी बनाई है सब जानते हैं कितने हमारे जो हीरो हीरोइन हैं उन्होंने कितनी फिल्म बनाई कितनी उनकी फ्लॉप हुई ये भी हम जानते हैं लेकिन किसकी बदौलत किसकी बदौलत वो फिल्म बना रहे हैं और किसकी बदौलत हम ये सारा काम कर पा रहे उनके बारे में जानने की चेष्टा ही नहीं करते क्योंकि ये एक्चुअल में यह भी है ना जो दिखता है वो बिकता है फौजी तो कोई दिखता नहीं वो तो रोज आकर के टीवी पे नहीं आएगा तो उसको हम देखने की कोशिश नहीं करते सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल वो था वो इक्कीस साल का नौजवान उसकी भी मेरी तरह सिर्फ दो ही साल की सर्विस थी तो गर्व हुआ वह मेरा जीवन का आदर्श था तो हमें भी उस द्रास सेक्टर में भेजा द्रास सेक्टर में सबसे पहले हमने तोलोलिंग टॉप के ऊपर युद्ध लड़ा बाईस दिन तक युद्ध लड़ा बाईस दिन तक और बाईस दिन लड़ते लड़ते हमने अपने दो ऑफिसर दो जूनियर कमीशन ऑफिसर और 21 जवानों को खोया था 21 को तब जा करके 12 जून उन्नीस को अगर इसका प्रेजेंटेशन है वो तो है प्रेजेंटर कहां तो आपको दिखा देता हूं ये, ये पिक्चर तो आपने बहुत देखी होगी देखी है ना ये क्या समझते इस पिक्चर को देख करके और आपके जीवन से कुछ कनेक्ट करके देखो ये आपको हर वर्ग को बताती है कुछ कह रही है आपसे कुछ कह रही है ये नहीं समझ पा रहे मैदान में छोड़ो लड़ो ओके okay, और जीवन युद्ध और ओके okay, गुड अभी सर ने जो है जो आपके जो संस्कृत के सर थे अभी उन्होंने जो है यहां पर बहुत अच्छे से भरत सर ने बोला था सारथी एक शब्द बोला था ना हाँ इस पिक्चर को देखने से यह पिक्चर बताती है समझाती है कहती है कि जब इंसान चुनौतियों से समस्याओं से चारों तरफ से गिर जाए तो अपने इस जीवन की डोर अपने जीवन के सारथी को सौंप देनी चाहिए कौन है भाई आपका जीवन का सारथी आपके पेरेंट्स और आपके शिक्षक आपके जीवन के सारथी हैं अगर आपने इन चुनौतियों समस्याओं में अपने जीवन के डोर अपने जीवन के सारथी को सौंप दिया तो आपको हर समस्या हर चुनौती से निकाल करके वो आपको लक्ष्य तक पहुंचा देंगे और ये पिक्चर वही कह रही है कि जो दर्योधन जो ये इसमें अर्जुन अर्जुन जो दे दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर था युद्ध क्षेत्र में आकर के भाई बंधु बांधवों को देख करके उसका मन हताश निराश हो गया और उसने अपना धनुष डाल दिया अपने हथियार डाल दिए लेकिन अपने जीवन की डोर अपने जीवन के सखा अपने मित्र कृष्ण के हाथों में सौंप दी थी आप जानते हैं कि ग्यारह अक्षौणी सेना को हरा करके ये पांच निष्कासित बेटे उनको विजय दिला दी थी तो हम हमें जीत मिल सकती है लेकिन अगर जीवन की डोर अपने जीवन के सारथी को सौंपेंगे तो ये पिक्चर ये कहती है और हम यही नहीं कर पा रहे हैं। कि जब हम चुनौतियों समस्याओं से घिर रहे हैं तो फिर हम हताश और निराश हो जा रहे हैं और इस डिप्रेशन में चले जाते हैं कि हम उस चीजों की घटनाओं की कल्पना भी नहीं कर सकते तो इसलिए बहुत जरूरी है कि अपने जीवन की डोर अपने सारथी को सौंपना ये यहां पर जो अभी हमें चर्चा कर रहा था तेरह हजार से अठारह हजार फीट तक की ऊंची पहाड़ियां हैं जो निर्जन है हैं, ऑक्सीजन नहीं है बिल्कुल नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं है तो किस तरह की कि इस परिस्थितियों में वहां पर युद्ध लड़ा गया ये पिक्चर ये मैंने रखा है आप लोग पहाड़ी क्षेत्र में कभी पिकनिक के लिए गए होंगे घूमने के लिए गए होंगे कभी तो ये पहाड़ी क्षेत्र में रोड इस तरह की होती हैं इसी तरह की होती हैं और ईसीजी सी जी कराया कभी ईसीजी सी जी कराया है कभी नहीं उसका कहीं पिक्चर चित्र देखा है देखा है ना वो इस तरह का ही होता है है ना तो ये रोड को अगर इस तरह को ऐसे करेंगे तो ये भी हमारी ई सी जी की तरह ही है तो इस तरह से अगर तरंगे चल रही हैं तो क्या हो रहा है हार्टबीट चल रही है इंसान जिंदा है और इस तरह से होगी तो मर गया क्या समझे इंसान का जीवन सरल सुगम रेखा के समान नहीं है इंसान का जीवन ऊंचाई नीचाई और कठिनाइयों से परिपूर्ण है और जो इससे लड़ता हुआ आगे बढ़ता है वही तो जिंदा है बाकी तो सब मृतक के समान है इस पहाड़ी तोलोलिंग टॉप इस पे 22 दिन युद्ध लड़ा हमने 22 दिन और 22 दिन के दौरान 26 मई को भारतीय वायुसेना के फाइटर अटैकर इन पे बम्बारमेंट करने के लिए आई 28 मई को वो समय वो पल मुझे आज भी याद है शाम का वक्त होने वाला था तीन अटैकर हेलीकॉप्टर फायर करने के लिए आए और ये लास्ट वाला हेलीकॉप्टर था जिसको पाकिस्तान की फौज ने गाइडेड मिजाइल के द्वारा वहीं पर गिरा दिया था इन सब परिस्थितियों के बावजूद हम लड़ते रहे संघर्ष करते रहे हमने दो ऑफिसर दो जूनियर कमिश्नर ऑफिसर और इक्कीस जवानों को खोया तब जाकर के बारह जून उन्नीस में को इस पहाड़ी के ऊपर हिंदुस्तान की सेना ने पहली सफलता के रूप में हमने यहां पर विजय पताका फहराया था तो एक सफलता मिलने के बाद अगर इंसान ने संतोष कर लिया तो इंसान गिरने लगेगा उस सफलता मिली है जश्न मनाओ और उसमें चार ठोकर मार दो जो बहुत दूर चली जाए फिर उसको प्राप्त करने के लिए आप संघर्ष करोगे अगर वो आपके पास ही रही तो आपको हमेशा नीचे गिराएगी तो एक संघर्ष एक सफलता मिली मल्टीपल टास्क होते हैं फिर फौज के अंदर वही मल्टीपल टास्क दूसरा टास्क दिया गया टाइगर हिल ये टाइगर हिल इसको आपने फिल्मों में बहुत देखा होगा अट्ठारह हजार फीट ऊंची पहाड़ी जिस पर ऑक्सीजन की मात्रा और कम हो गई थी हाइट ज्यादा होने से दुश्मन के पास एडवांटेज ज्यादा ज्यादा दूर तक देख सकता है और ज़्यादा दूर तक देख सकता है तो ज्यादा दूर तक मार भी सकता है तो इस पहाड़ी को पुनः प्राप्त करने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया जिसको घातक प्लेटून फौजी भाषा में और सिविल भाषा में कमांडो टीम कहते हैं बहुत सारे जवानों की जो डेथ होगी थी शहीद हो गए थे तो उन जवानों की आपूर्ति के लिए नए जवानों का चयन शुरू हुआ तो मैं नौजवान साथियों आपसे कहता हूं कि व्यक्ति की पहचान किसी अहदे या रैंक से नहीं होती है व्यक्ति की पहचान उसके कर्म उसके कार्य से होती है मेरी तब तक सिर्फ इतनी पहचान थी कि मैं अठारह ग्रेनेडियर ब्रॉ कंपनी नंबर पांच प्लाटून के नंबर वन सेक्शन का नंबर वन जवानों इतनी पहचान थी लेकिन इस बाईस दिन के लड़ाई के दौरान हम पंद्रह जवानों की एक टीम जिसका काम था फॉरवर्ड में लड़ रहे जवानों को रसद पहुंचाना और पंद्रह में से हम तीन जवान ऐसे थे जो बाईस दिन तक बिना खाए बिना सोए बिना रुके बिना थके लगातार चलते रहे और उसी काम से हमारी पहचान बनी कि तीनों जवान फिजिकल और मेंटल बहुत स्ट्रांग हैं। इनको इस टीम के अंदर शामिल किया जाए इस तरह से मुझे उस टीम का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिला हमले का आदेश मिल गया तो फिर आपसे फिर कह रहा हूं समय का सदुपयोग करना सीखिए तो हमने रात का समय का चुनाव किया क्योंकि दिन में तो वो देख सकते थे इसलिए रात भर इस पहाड़ी पर चढ़ते थे और दिन भर बिना किसी मूवमेंट के पत्थरों में चुपचाप पड़े रहते थे जितनी देर अभी आपसे बात करते हो गया अगर बैरिक से बाहर खड़े होते तो चेहरे की स्किन फट करके खून टपकना शुरू हो जाता था तो हिंदुस्तान के ये जवान चेहरे से टपकते हुए खून की परवाह किए बगैर ऊपर से दुश्मन का भारी गोलाबारी उससे भी बेफिक्र कदम से कदम और कंधे से कंधा मिला करके दो रात और एक दिन इस टाइगर हिल टॉप के शिखर की तरफ बढ़ते रहे चढ़ते रहे और तीसरी रात का वो मंजर आज मेरी आँखों के सामने ऐसे दरसता है शायद कल की ही तो बात है सुबह का वक्त होने वाला था बिल्कुल 90 डिग्री की चट्टान जिस पर चढ़ना असंभव था हमें भी लगता ना कई बार जीवन में अब नहीं हो पाएगा लेकिन कुछ भी मनुष्य से असंभव नहीं है इस पूरी प्रकृति की अगर सबसे बड़ी शक्ति है तो वो मानव शक्ति है इंसान के पास शक्ति है इससे बड़ी और किसी के पास शक्ति नहीं है हर चीज संभव है लेकिन हमें जब उससे टकराएंगे उसमें जाएंगे तब हमें उसी समस्याओं से उसी चुनौतियों से निकलने के रास्ते भी मिलेंगे और लड़ने के जो है तरीके भी मिलेंगे पहाड़ी में घूमे पता चला नहीं मैनुअल नहीं चढ़ सकते रस्सी के सहारे चढ़ा जा सकता है रस्सियों के सहारे चढ़ना शुरू किया जब इंसान चलेगा तो लाजमी है कि आवाज़ तो होगी पत्थरों पे चल रहे हैं तो पत्थर भी गिरेंगे पत्थरों की आहट हमारी आवाज़ दुश्मन शायद सो रहा था दोनों था। उनके बीच से हम गुजर रहे थे उस आवाज से वो जग गए उनको लगा कि इनके बीच में यहां तो हिंदुस्तान की फौज आ गई है इस तरह से फायर खुल गया रास्ता कटअप हो गया और केवल और केवल हम सात जवान ऊपर चढ़ पाए थे तब तक ऊपर चढ़े तैसे सात आठ मीटर का बिल्कुल प्लेन स्पेस सामने दुश्मन के बंकर हम सातों जवानों ने जाकर आधा धुंध फायरिंग किया और उसमें बैठे हुए तमाम पाकिस्तानियों को पलभर के अंदर मौत के घाट उतार दिया टॉप बहुत नजदीक पहुंच गए थे हम टॉप के ये पचास साठ मीटर रह गया था और टॉप पर तो उनकी एक कंपनी का डिप्लॉयमेंट एक कंपनी की स्ट्रेंथ 150, 150 और हम केवल सात लेकिन फिर भी साहस के साथ निडरता के साथ लड़ते रहे और लड़ते लड़ते वो परिस्थिति भी आई कि एक कदम आगे रखते हैं तब भी हेड है और एक कदम पीछे रखते हैं तब भी हेडशूट है मरना निश्चित हो गया था लेकिन मैं नमन करता हूं इस देश की माओ को जो अपने बेटे और बेटियों को संस्कार स्वरूप कहती हैं कि सीने का दूध पिलाया सीने पर गोली खाना कभी पीठ पर गोली मत खाना आज यह हिंदुस्तान के बेटे और बेटियां सीमा पर खड़े होकर के सीने पर गोलियां खाते हैं मेरे नौजवान साथियों कभी भविष्य में किसी सैनिक का पार्थिव शरीर देखने का सौभाग्य मिले तो उसके कफन तिरंगे को हटा करके देखना उसके सीने पर गोलियों के निशान मिलेंगे पीठ पर आपको एक भी निशान मिलने वाला नहीं है और इतने बड़े तो आप भी हो गए थे हम भी थे कि इतना तो पता था इस पृथ्वी का सत्य प्रकृति का सत्य है कि धरती पर जो पैदा हो उसकी मृत्यु निश्चित है लेकिन बुजदिल और कायरों की तरह मरना नहीं है बुजदिल और कायरों की तरह क्योंकि हमने इस भारत मां ने और हमारी माओ ने हमें बुजदिल और कायर पैदा नहीं किया हमें तो सिंगरिया और शेर पैदा किया है अगर हम सिंगरिया और शेर हैं तो मुसीबतों से डर करके नहीं बल्कि मुसीबतों से लड़ करके और उनको मार करके मरना है ऐसे नहीं मरना तो हमने सोचा लड़ेंगे मरेंगे और मार करके मरेंगे ऐसे तीन तरफ से घिरे हुए थे तीन तरफ से चारों तरफ से गोलियों की बौछारें और ये हिंदुस्तान के बेटे निडरता के साथ उनका साथ मुकाबला करते रहे पांच घंटे हो गए लड़ते लड़ते पांच घंटे के बाद जो दृश्य मैंने देखे शायद आज तक अपने फिल्मों के अंदर देखे होगा कि गर्दन कटती और धड़ चलते हैं मैंने उन पलों को जिया है और देखा है मुझे वो पल आज भी याद है जब मैं सर से लेकर के पैर तक लहूलुहान था और मेरा साथी मुझे फर्स्ट एड करने के लिए अपनी फील्ड पट्टी की पॉलिथीन फाड़ने के लिए उसका हाथ यहां तक जाता है उसको यहां गोली लगती है जिधर से पूरा सर निकल के बाहर उसका हाथ पकड़ा सर क्या हुआ एक शब्द तक नहीं बोला ऐसे मेरी बगल में बैठा मेरा ट्रेनिंग का साथी था अनंतराम रूममेट थे हम दोनों मैं बोला अनंतराम सर को तो गोली लगी क्या ये उसका आखिरी शब्द था उसको सीने में गोलियां लगती हैं फेफड़ों से खून की फुहारें छूटती हुई मेरी गोद में आकर कैसे लेट गया एक और साथी आगे बढ़ा बम वहां पर गिरता है उसकी यहां से गर्दन कट करके जमीन पर गिर जाती है खून की चारों तरफ बौछारें होती हुई धड़ बिना सर के दो कदम चलता है और फिर गिर जाता है और साथ ही आगे बढ़ा फिर एक और बम गिरता है उसके दोनों हाथ दोनों पैर कट जाते हैं इस तरह से एक एक करके मैंने तमाम साथियों को अपनी आंखों के सामने माँ भारती की गोद में सोता हुआ देखा है जो अंग शरीर से कट करके जमीन पर गिरते किस तरह से उछलते हैं तड़पते हैं इनको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता लेकिन फक्र होता था कि धड़ पे सर नहीं है लेकिन हाथों से बंदूक नहीं छूट रही थी एक अस्मरणीय पल थे और रोज उन जब पलों को याद करता हूँ तो आंखों से आंसू आते हैं रोज रोता हूं लेकिन फक्र ये होता है कि उनके लहू की जो ज्योति जो इस मेडल के रूप में मेरे पास है इस ज्योति चेतना को लेकर के देश में घूम रहा हूं और आशा और अपेक्षा करता हूँ कि कोई एक मेरे जैसा एक भगत सिंह जैसा एक सुखदेव जैसा एक बेटा एक रानी लक्ष्मी भाई एक बेटी वहाँ से मुझे दिखाई दे मिले और इस राष्ट्र को का जो पुरुषार्थ है वीरत्व तो है साहस है उसके साथ इस राष्ट्र के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हो रोज रोता हूँ लेकिन फिर भी चलता हूँ इसी आस में चलता हूँ उनको तो यकीन हो गया कि इनमें से कोई ज़िंदा ही नहीं है फिर उन्होंने अमानवीय क्रूरताओं का तांडव शुरू किया पहले रीचेक कर इनमें से कोई ज़िंदा तो नहीं गोलियां मारने लगे इन आंखों से देख रहा हूं कि जब हमारे जवानों के शरीर के अंदर गोलियां मारते थे बॉडी ऐसे उछलती थी ऊपर की तरफ उसने जब सामने वाले को मारा उसकी बॉडी उछली बगल वाले को मारा उसकी उछली मैं इस तरह से था उसने फर्स्ट में यहाँ पे गोलियां मारी फिर पैर में गोली मारी मैं देख रहा हूँ कि धुआं निकल रहा है उस गोली की पीड़ा को चुपचाप पड़ा सहता रहा यह कौन सा पी है अरे थ्री पी का फॉर्मूला बताया था कौन सा पी है ये, ये परफॉर्मेंस है पैशन नहीं है आज एक सुई चुभती है तो असहनीय पीड़ा होती है उस समय गोलियां शरीर के आर पार जा रही हैं, धुआं निकल रहा है उसकी जो सामर्थ्य थी उस सहन सहन शक्ति की वो कैसे आई जो मैं आपको जो आपके पास जो ऊर्जा है जो आपके पास शक्ति है जो आपके पास सामर्थ्य है वैसे इसको एकाग्र किया था एक साथ इकट्ठा किया था एकत्रित किया था और जब आपके पास जो आपकी ऊर्जा है वो एकत्रित हो गई तो आप गोलियों के निशान गोलियां लग रही हैं कोई ही नहीं होगी क्योंकि मन मन से परे चले गए आप मन से दर्द होता है बॉडी से नहीं होता बॉडी से होता है दर्द अगर बॉडी से दर्द होता तो मरे हुए का पोस्टमार्टम नहीं होता वो मन की वो एक भाव है एक मन का वो स्तर है जो हमें एहसास कराता हर चीज का तो मन तो था ही नहीं मन तो कहीं दूसरी जगह था बॉडी थी बॉडी में मारते रहे फिर उनको जब यह हो गया कि इनमें से कोई जिंदा नहीं अमानवीय क्रूरताओं का तांडव उन्होंने शुरू किया हमारे जवानों की बॉडियों में पत्थर मारने लगे बूट की ठोकरें मारने लगे गालियां देने लगे और ये सब कुछ पड़ा हुआ सहता रहा देखता रहा बहुत देर के बाद फिर उनके कमांडर ने बोला इनके हथियार उठा लो और नीचे जो हिंदुस्तान का पोस्ट है उसके ऊपर हमला कर डालो जब हमले वाली बात मैंने सुनी तो मुझे तब एहसास हुआ कि आज तो मेरी पूरी टीम खत्म हो जाएगी तब ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना करी कि अगर मुझे बस इतने जिंदा रख दे प्रभु कि मैं अपने साथियों तक सूचना दे सकूं और यह सत्य है अगर हमने स्वार्थ भाव सच्चे श्रद्धा के साथ उस परमपिता परमेश्वर अल्लाह को याद करते हैं वो सच्ची तो सा शक्ति तो साक्षात तो हमारे सामने आ जाती है लेकिन समर्पण भाव सच्चा होना चाहिए कैसा होना चाहिए महाभारत देखिए ना देखिए ना महाभारत द्रौपदी का चीरहन जब हो रहा था तो द्रौपदी के जो भाई सखा के रूप में कृष्ण थे जब उनका हरण होने लगा तो चीर को ऐसे पकड़ करके जब तक वो कृष्ण को पुकारती रही कृष्ण नहीं आए थे और जैसे उन्होंने अपनी चीर को छोड़कर के दोनों हाथों से समर्पण किया पल भर के अंदर कृष्ण भगवान वहां पर उपस्थित हुए और उनके चीर को बढ़ाने का शुरू कर दिया था समर्पण तो वही एक बस समर्पण था एक विश्वास था आस्था थी कि मुझे अपने साथियों को बचाना है किसी भी तरह से दोबारा से वो गोलियां मारने लगे फिर आकर के एक एक को जो है गोली मार रहे हथियार उठा रहे तो उसने फिर भी मेरी बाजू में पैर में गोली मारी दो कदम चला मैंने आंखों से देख रहा हूं कि बंदा रुक गया रुका तब लगा कि हाँ यार अब शायद इसको एहसास हो गया है कि जिंदा है अब नहीं छोड़ेगा वो पीछे मुड़ा उसने राइफल ऐसे करी मेरी सीने की तरफ तब मुझे भी लगा यार अब नहीं बचूंगा लेकिन कहते हैं जाको राखी साइया मार सके ना कोई और इस देश को भारत माँ कहते हैं ऐसे नहीं कहते ये भारत मां है ये सजीव है ये कंकर और मिट्टी वाली नहीं है मां भारती अपने बेटों की वीरता शौर्य या पराक्रम बलिदान को कभी दफन होने ही नहीं देती किसी ना किसी एक को जरूर माध्यम चुनती है शायद इस मां भारती ने मुझे वो माध्यम चुना होगा कि उसके बेटों ने जो शौर्य वीरता पराक्रम दिखाते जो बलिदान दिया है उसको मैं दुनिया तक पहुंचा सकूं। तो जब उसने गोली चलाई तो यहाँ पे पर्स रखा था और पर्स में पांच पांच रुपए के कुछ सिक्के थे पूरी पेंट फट गई थी पहाड़ियों पे चलते चलते शायद इस मां भारती ने वो सिक्कों को एक साथ इकट्ठा कर दिया होगा और जब गोली चली तो जा करके वो सिक्कों पर लगी उस गोली के धक्के से पावर से फोर्स से मुझे भी आभास हुआ कि मैं तो मर गया हूँ पाकिस्तान का दूसरा जवान आया होगा शायद उसने हथियार उठा करके जब जा रहा होगा उसका पैर मेरे पैर से टकराया तब मुझे आभास हुआ एहसास हुआ मैं तो जिंदा हूँ तब एक अंतर मन से आवाज है कि योगेंद्र अभी तक नहीं मरा तो अब मरेगा भी नहीं मेरे पास एक हैंड ग्रेनेड था अपने हैंड ग्रेनेड निकाल करके इस तरह से फेंका तो कोर्ट के अंदर हुड लगे हुए थे वो उसके के अंदर जा गिरा, और जब तक वो ग्रेनेड को निकाल पाता ग्रेनेड फट गया उसका यहां से पूरा सर उड़ा और वो हमारे ऊपर आकर कैसे गिरा उस धमाके से पाकिस्तान के जवानों में खलबली मची कि इनमें से कोई जिंदा है कुछ बोले जिंदा ने नीचे से फौज की दूसरी टुकड़ी ऊपर चढ़ाई है री आ गई है बस वही तो एक मौका था मेरे पास मैंने दोनों हाथों से उसकी राइफल को उठाने की कोशिश करी यह हाथ तो हिला ही नहीं इस हाथ की पूरी हड्डी निकल के बाहर थी सिर्फ कंधा कंधा हिला इसी हाथ से राइफल को उठाया और ऐसे पलटा खा करके वहाँ से ऐसे फायरिंग किया तीन चार पाकिस्तानियों को पल भर में मौत के घाट उतार दिया फिर इसी हाथ से पलटा खाया दूसरे पत्थर से तीसरे पत्थर से तीन चार जगह से जब फायरिंग किया तो उनको आभास हो गया एहसास हो गया कि हाँ आपके अकेला नहीं है दूसरी टीम ऊपर चढ़ाई है बस उनके पैर उखड़ गए हौसले परस्त हो गए और वहां से वो भाग खड़े हुए चलने के लिए बेबस और लाचार था क्योंकि चल नहीं सकता था इस पैर की पूरी मसल्स निकल के बाहर थी और इस हाथ की पूरी हड्डी निकल के बाहर थी लेकिन फिर भी हताश और निराश नहीं हुआ बेबस और लाचारी जरूर थी फिर ऐसे रेंगता हुआ किसटता हुआ चार पाँच मीटर तक फायर करता उनके पीछे गया तो चार पांच मीटर जाने के बाद देखता हूं सामने तो उनका लंगर चल रहा है उनके लिविंग टेंट लगे हुए उनके वेपन के डिप्लॉयमेंट और उस समय सब कुछ छोड़ करके भागते हुए चले जा रहे थे ये दिन का डेढ़ दो बज रहा था सब कुछ पड़ा हुआ वहां से देखता रहा बहुत देर पड़ा रहा फिर मन के अंदर फिर वो थॉट वो पागलपन छाया योगेन तुझे तो अपने साथियों को बचाना है फिर धीरे धीरे खिसटता रैंक तक तो वहां से चलना शुरू किया तो जहां मेरे शहीद रखे थे साथी वहां तक मैं पहुंचा तो मन में आया कि यार देख इनमें से कोई जिंदा तो नहीं है आकर के एक एक को देखने लगा तो किसी का ये पूरा सर निकला हुआ बाहर था किसी के पूरे फेफड़े निकले हुए बाहर थे एक एक को गोद में रख करके रोता रहा ऐसे डेड बॉडीयां ही डेड बॉडियां पड़ी हुई हैं वो भी छत विछत अवस्था में पड़ी हुई और ये उन्नीस साल का लड़का जिसकी सिर्फ ढाई साल की सर्विस न तो उम्र का तजुर्बा न सर्विस का कोई एक्सपीरियंस था ये भी पता नहीं किस पहाड़ी से किस तरफ हिंदुस्तान है कहां पाकिस्तान है मुझे कहां जाना है बहुत देर एक एक को देख करके रोता रहा कभी जीवन में रोए हैं रोने के बाद क्या फील होता है अगर रोए हैं तो बताइए क्या फील यस yes. हल्कापन फील होता है क्योंकि जब हम रोते हैं तीन थ्रे, तीन थ्रेपी है वो कला है जिससे हम अपने आप से कनेक्ट होते हैं और मैं आपको शुरुआत में बोला कि हम बॉडी नहीं हैं पहला रोना हंसना और नाचना जब हम मन से भाव से रोते हैं अपने आप से कनेक्ट होते हैं और जब अपने आप से कनेक्ट होते हैं तो बहुत हल्कापन फील होता है क्योंकि बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और आज हम भारीपन फील क्यों करते क्योंकि बाहर की दुनिया से कनेक्टेड हैं अपने आप से डिस्कनेक्टेड हैं तो मैं रोया और रोते रोते अपने आप से शायद मैं जुड़ा होऊंगा और जब मैं अपने आप से कनेक्ट हुआ तो मैं अपने परमात्मा से कनेक्ट हुआ और जब परमात्मा से कनेक्ट हुआ तो उस बंसी वाले से कनेक्ट हुआ और तुरंत आवाज आई योगेन बेटे नीचे तक इस नाले से नीचे की तरफ चला जाए लेकिन जो हमारा मन है ये बड़ा विस्मित करता है भ्रमित करता है हमें पूरी चेतना को इस दर्द पर ले आया और वो आवाज को इग्नोर करा दिया असहनीय पीड़ा का एहसास करा रहा है फिर मन में वही भाव इसको चल बांध बांधने लगा बंध नहीं पा रहा है फिर लगा यार कट गया तोड़ करके फेंक ऐसे पकड़ करके झटका मरा तोड़ने की कोशिश करी टूटा नहीं फिर इसको उठाया पीछे कमर पे फेंका बेल्ट में फंसाया और मेरे नौजवान साथियों अगर आप एक बार परमात्मा से कनेक्ट होगे ना परमात्मा आपको डिसकनेक्ट नहीं होने देगा उसको भी आभास हुआ कि हाँ ये कहीं इग्नोर हो रहा है भ्रमित हो रहा है मन तभी दोबारा से आवाज दी योगेंद ब्रिटिश नाले से नीचे की तरफ चला जा फिर तो विश्वास हो गया इस पहाड़ी पर 500 मीटर लुढ़कता हुआ नीचे है 500 मीटर और नीचे आने के बाद अपने साथियों को इन्फॉर्म किया फिर अगले दिन हमारी टीम ने दोबारा से हमला किया और इसी इंफॉर्मेशन के आधार के ऊपर इस टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पता का फहरा दिया टाइगर हिल की जीत के बाद कारगिल युद्ध का यू टर्न हो गया सीजफायर हो गया और आज हम 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं मैं भी यहाँ पे दिल्ली बेस हॉस्पिटल आ गया 16 महीने हॉस्पिटल में रहा और 16 महीने हॉस्पिटल में रहने के बाद फिर वापस भारतीय सेना में गया 25 साल भारतीय सेना की सेवा की और 31 दिसंबर 2021 को इक्कीस को हुआ हूँ अपने कर्तव्य और दायित्वों से निवृत्त नहीं हुआ हूँ ये जो अवस्था है बड़ी ऊर्जावान अवस्था है बड़े नखरे वाली अवस्था है है कि नहीं है जब घर पे जाते हो या मैस में जब जाते हो बोला ये कच्ची रोटी है ये मेरे स्वाद की नहीं है मेरे ये वो नहीं है और थाली में अन्न को डाल करके छोड़ करके चले आते हो नहीं होता ना ऐसे होता है अरे वो बाईस दिन जो मैंने गुजारे थे ना पूरिया देखी है? खाई भी होंगी पूड़ियाँ तो खाई हैं नहीं जो गरम पूड़ी को अगर जूट के बोरे में भरते हैं तो पापड़ियाँ जूट के बोरे में चिपक जाती हैं जब रात को वापस आते थे जूट के बोरे खाली होते थे उन पापड़ियों को झाड़ करके चाय में डाल करके पीते थे तुम तो जब उस थाली के अंदर अपने स्वभाव और स्वभाव और स्वाद के अनुरूप उसको बेकार बता देते हो तो उसका अन्न का अपमान नहीं इस भारत माँ का अपमान हो रहा है क्योंकि इसी के गर्भ से वो अन्न पैदा हो रहा है और उस अन्नदाता का अपमान कर रहे हो जो दिन रात खेतों में पसीने को खून की तरह बहाता है और फिर वो अन्न रोटी के रूप में आपके पास थाली में आता है और आपके नखरे होते हैं कि बोला नहीं ये मैं नहीं खाऊंगा तो जीवन में क्योंकि इस अन्न से इस शरीर की शक्ति है इसका कभी अपमान मत करना इतना कहने के लिए आया हूं कि अभी अपने जीवन में सकारात्मक भाव पॉजिटिविटी अगर रखेंगे पॉजिटिविटी तो आप जीवन में बहुत ऊपर तक जाएंगे और पूरा भारत नहीं पूरा भारत युवाओं का भारत है ना पूरा विश्व कहता है कि भारत युवाओं का राष्ट्र है सच है पैंसठ परसेंट युवा इस देश के अंदर है पैंसठ परसेंट लेकिन दुर्भाग्य यह पैंसठ में से अस्सी परसेंट को यह पता नहीं सूरज कितने बजे निकलता है पता है भाई नहीं पता क्यों ये जो देखो तो मोबाइल चला रहे ना ये सारे सारे है ना अब ये रील बन रही है और रात को इंस्टा पे डलेंगी रात को ढाई बजे तक शेयर किए जाएंगे लाइक नहीं आए तो टेंशन हो जाएगी तो ढाई बजे तक जब जो है लाइक कर चेक करते रहोगे तो सुबह कैसे उठोगे कैसे उठोगे ये रील की लाइक से बेटा आप जो ना आप को लाइक कोई नहीं करेगा जिस दिन अपनी कामयाबी अपनी उपलब्धि से अपने पैरों पे खड़े होकर के पदासीन इस राष्ट्र के लिए होगे उस दिन आपको लाइक की आवश्यकता पड़ेगी नहीं दुनिया आपको लाइक करने लगेगी जो आपने जीवन शैली बदली हुई है कि रात को ढाई बजे सोना सुबह आठ बजे उठना इसको बदली कर दो क्योंकि यही आपके कामयाबी में सबसे बड़ी रुकावट है सबसे बड़ी रुकावट क्योंकि जब हम आठ बजे तक सोते हैं तो हम जब उठते हैं तो हमारी नींद नहीं होती है हमारे अंदर नकारात्मक भाव पैदा होते हैं पूरा दिन आपका नेगेटिविटी में जाएगा तो कोई कुछ चीज समझ में आएगी ही नहीं ग्यारह साढ़े ग्यारह बजे सोना शुरू कर दो ना यार कर सकते हो नहीं हाँ फौजी से वादा कर रहे हो देख लेना है ना फौजी राष्ट्र से वादा करता है कि मैं रहूं या ना रहूं लेकिन मेरा राष्ट्र जरूर रहेगा तो आप मुझसे वादा कर रहे हो कर रहे हो नहीं कि हमें आज से ग्यारह साढ़े ग्यारह बजे सो जाना है सुबह चार से साढ़े चार के बीच में उठ जाना है क्यों साढ़े चार चार के बीच में यार वो टाइम पूरा ब्रह्मांड की जो शक्तियां आपके दरवाजे तक आती हैं यार रोज ये परमात्मा आपके द्वार पर शक्तियों को लेकर के आता है यार लूट लो लेकिन आप तो रिजाई के मजे लूटते हो भाई है नहीं ऐसे ही होता ना और इसीलिए जब तुम रजाई के मजे लूटते हो तो फिर समाज आपके मजे लूटता है अरे गया तो था हंसराज कॉलेज में बन गया कलेक्टर ये होता नहीं। तो इसलिए अगर आपको अपनी लाइफ को प्रसन्नतापूर्वक आनंदित पूर्वक अगर आपने जीना है और अपने आपके मां बाप यार आपसे क्या चाहते हैं क्या चाहते हैं बताओ आपकी कामयाबी चाहते हैं आपकी उपलब्धि चाहते हैं आपकी दौलत और पैसे का उससे उनको कोई मतलब नहीं है अरे आप उपलब्धि को प्राप्त होंगे आपको कोई पोस्ट मिलेगा उनको सिर्फ वो खुशी चाहिए और वो नहीं दे सकते क्या और उसका पहला मार्ग आपको बता रहा हूं सुबह साढ़े चार बजे उठने शुरू कर दीजिए जो पॉजिटिविटी का जो एन्वायरमेंट होता है क्योंकि जिस तरह की एनर्जी हमारे से टकराती है वैसे भाव बनते हैं और इन्हीं भावों से भावनाएं बनती हैं उसी से हमारा करेक्टर बनता है उसी से हमारी पर्सनैलिटी बनती है उसी से हमारा और बनता है और समझते हो ना क्या होता है हाँ भरने की बहुत बड़ी हुई है ना अरे पता है और क्या होता है क्या भाई? हाँ जो हमारे जो भगवान की तस्वीर है सबके घर में देखिए होगा उनके सर के पीछे एक बड़ा चक्कर सा घूमता रहता है उजाले का घूमता है ना देखा है तुमने वो है हमारा और वो शक्ति है वो पावर है और जिस दिन आप अपने शरीर के मस्तिष्क के अंदर पॉजिटिव एनर्जियों का एक खजाना संग्रह करना शुरू करोगे उस दिन आपका बढ़ना और बढ़ना लगेगा और और कितना प्रभावीशाली होता ये जब शास्त्र पढ़ोगे आपने जो ना इतिहास पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा सौ सौ किलोमीटर तक आप अपनी शक्तियों से लोगों को प्रभावित कर सकते हो इतना बड़ा प्रभावी शक्ति तो आप सुबह उस समय उठिए थोड़ा सा प्राणायाम कीजिए योग कीजिए और दिन की शुरुआत कीजिए कितने एक मिनट में हम कितनी बार सांस लेते हैं भाई हाँ बहत्तर बार वो दिल धड़कता है भाई अरे प्रैक्टिकल चीजें पूछ रहा हूं यार है ना कितना सोलह नहीं सर स्टूडेंटों को बताने दो इनको तो पता नहीं चलने का क्योंकि वो चाणक्य ने कहा है अगर एक बार आप प्रश्न पूछने के लिए नहीं खड़े हुए और लगा कि यार लोग मेरे को मूर्ख समझेंगे तो आप जीवन भर फिर मूर्ख ही रहेंगे क्योंकि फिर आप पूछेंगे नहीं है ना तो पूछना है एक स्वास्थ्य मनुष्य पंद्रह से सत्रह बार सांस लेता एक मिनट के अंदर तब एक मनुष्य की औसतन आयु पैंसठ से सत्तर वर्ष है और इस धरती पर ऐसा भी प्राणी है जिसकी तीन सौ साल आयु है कौन है भाई कछुआ क्यों क्योंकि एक मिनट के अंदर वो तीन ही बार सांस लेता है तो हम अपने इन सांसों की गति को धीमी कर सकते हैं गहरी कर सकते हैं और आपने यह महसूस किया होगा प्रैक्टिकली कि आज अगर आपको दौड़ाया जाए तो आपकी सांसें फूल जाएंगी फूल जाएंगी कि नहीं क्योंकि आपके कदमों के साथ उन सांसों का मिलान नहीं है और आपने ये भी देखा होगा आप लिखते हैं बोलते हैं चलते हैं अगर आपकी सांस आपके उस कार्य के अनुसार उस गति से नहीं चल रही है तो आप न ठीक से लिख पाएंगे और न ठीक से बोल पाएंगे क्योंकि जब हम अपने सांस इस गति से चलती है गहरी होती है हमारे काम से होती है तो माइंड बिल्कुल कूल होता चला जाता है अपने आप थॉट्स निकालने शुरू होते हैं तो उसको करना शुरू कीजिए करेंगे कि की नहीं अभी तीस सेकंड का प्रयोग है उसको आपको कराता हूँ आपको एनर्जी से अवगत कराता हूँ कमर सीधी करके बैठे जरा और जैसे मैं करूंगा वैसे ही आपने करना है ठीक है अरे करना चाहते हैं कि नहीं ओके चलिए दोनों हाथ को रगड़ना है तेजी से रगड़ना है रगड़िए तेजी से हाथ गरम हुआ कि नहीं हा? और गरम करो ओके चलिए अब ये दबाना दस दस बार एक, 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 एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस अब ये एक दो तो, सारी उंगलियों पर दबाना है फिर साफ कर चुंबक है चुम्दा के? चुम्दा के? यही आपकी एनर्जी है चुंबक में, आपकी एनर्जी है। आपने सुना होगा लेकिन प्रैक्टिकल नहीं किया हा? दूसरा पावर ऑफ विजुअलाइजेशन बताया था है ना, वो भी कराता हूँ कमर सीधी करके बैठे कमर सीधी कर, आपको आज वो प्रैक्टिकल हो जाएंगे है ना? फिर जीवन में कभी नकारात्मकता नहीं आनी चाहिए ओके okay. आंख बंद कीजिए कमर सीधी करके बैठिए और जो मैं बोलूँगा वो विजुलाइजेशन है उसका। है ना? आप बहुत अच्छे से रेस्टोरेंट में पहुंच गए और वेटर आपके पास बहुत सुंदर सी प्लेट लेकर के आया उसमें दो तो नींबू और आपका चटपटा वाला मसाला और एक चाप आपके पास वो शर्क हो गया है रख करके चला गया तो आपने अपने जो मास्टर हैंड है आपका उसे चाकू उठाते हैं और धीरे से उस प्लेट में रखे हुए एक नींबू को पकड़ करके तो उसके दो पीस कर रहे हैं फिर उसके फिर चार पीस आपने कर दिए छोटे छोटे कर दिए और एक एक पीस को आपने बाएं हाथ में पकड़े हुए चाकू की नोक से उस नींबू के बीज को आपने उसमें निकाला पहले वाले को आपने उसके बीज निकाला वापस प्लेट में रख दिया अपने दूसरा वाला उठाया फिर उसके चाकू की नोक से उसके बीज को भी निकाला फिर वापस उसमें रख दिया इस तरह से अपने एक एक करके चारों पीस के वो बीज निकाल करके वापस अपने जो तो चाकू अपने टेबल पे रख दिया आपने अपनी मास्टर हैंड से फिर एक नींबू का कटा हुआ पीस उठाया और जो आपका चटपटा मसाला उसमें प्लेट में था तो उसमें उसको बहुत अच्छे से आप लगा रहे हैं फिर धीरे धीरे आपका हाथ मुंह की तरफ आ रहा खुलता हुआ जा रहा है बाहर खुला जी बाहर निकली और आपने अपने अंगूठी और उंगली की मदद से उस नींबू के रस को अपनी जीभ के ऊपर अपने निचोड़ते हुए जा और जैसे ही नींबू की एक एक बूंद आपकी जीप को पड़ती जा रही है आप उसको हाथ में करते हुए फिर दूसरा पीस उठाया उसको फिर वापस उस मसाले में लगा करके तो फिर आपने उसका भी तो रस अपने जीव के अंदर में डाला तो उस आत्मसात अपने करने जैसे करके चारों पीस का जो रस था उसने आपने आत्मसात किया उन्हें फिर अपने मास्टर हैंड से अपने उस चाकू को उठाया और फिर बचे हुए नींबू के अब की बात सिर्फ दो ही पीस लिया और फिर एक पीस को उठा करके आपने उसमें चाकू की नोक से आप उसके बीज निकाल रहे हैं पहले वाले को निकाला वापस प्लेट में रखा दूसरे वाले को उठाए उसकी बीज आपने चाकू की नोक से निकाल दी और फिर अपने उस मास्टर हैंड से जो है आपने उस पीस को उठाया उस चटपटे मसाले पे लगा करके उनकी बात मुँह खोल करके जी पूरा बाहर निकाल कर अंगूठे तो और उंगली की मदद से बहुत कस करके उस नींबू के पीस को आपने जो है उस पर रस को निचोड़ते जा रहे हैं और जैसे जैसे एक, एक की बूंद आपकी जीप पर पड़ रही है आप उसका आत्मशात कर रहे हैं पूरा रश आपने पी लिया फिर दूसरा बच्चा हुआ उठाया और फिर वापस मसाले पे लगा कर दिया ताकत के साथ उंगली और अंगूठे की मदद से एक एक बूंद आपके उसके जीप पर पड़ती थी हाँ जी आंख खोल लीजिए क्या हुआ ला क्यों तुम तो यहाँ बैठे हो भाई अरे यहां बैठे थे वहां थोड़ी ही थे थे। तो नीमू आ, नीमू, नीमू नीमू चेतना तो हाँ बी नींबू का रस आ गया चेतना चेतना ये पावर ऑफ विजुअलाइजेशन ये मन ओ तो भाई देखो सुनो पहले ये मन हमें पिक्चर देता है माइंड को ईश्वर ने इतनी बड़ी पावर यहां दी है यहां माइंड में इसके पास जो जिस तरह की पिक्चर पहुंचती है ये उसको फैक्ट समझता, समझता है और जैसे इसने सच समझा वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स रिलीज कर देता है वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर वो एनर्जी रिलीज कर देता है और हम फिर उसी दशा उसी तरफ बहने लगते हैं उसी तरफ चलने लगते हैं होता है कि नहीं yes, तो आप आज से क्या विजुलाइजेशन करना चाहते हो आप क्या बनना चाह रहे हो क्या बनना चाह रहे हो जो आप बनना चाह रहे हो मैं फौजी बनाने नहीं आया मैं पहले बोला, ठीक है मैं एक भारतवासी बनाने आया भारत, भारत माँ का एक बेटा और बेटी बनाने के लिए आया हूं जो इस देश के लिए अपने आप को अपने सेक्टर में रहते हुए कुर्बान कर सके मैं ये बना लू आज से उसको विद्युलाइज कीजिए जियो आप उसको और कुछ दिन के बाद आपके व्यवहार में विचार में आचार में स्वयं परिवर्तन आ जाएगा और ये राष्ट्र में जन्म लिया है ना कितने सौभाग्यशाली हो आप लोग चौरासी लाख योनियों के बाद इंसान का जीवन मिलता है और वो भी भारत मां के गर्भ से इंसान का जीवन मिला सौ जन्म हमने कोई पुण्य कर्म किए होंगे तब जाकर के धरती का गर्भ हमें मिला क्योंकि ये धरती की ज्ञान की विज्ञान की वीरांगनाओं की, 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 की धरती है और ऐसी धरती पर हम जन्म लेकर के विचरण कर रहे तो बच्चों का काम क्या होता है मां की सेवा करने तो हमें सेवा करनी है हमें बच्चे हैं इस भारत में थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद और... मैं पुनः आप सभी का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हुआ सिर्फ दो लाइन कहता हूं कि ये सांसों के तराने ये सांसों के तराने हिंद का नवगान गाएगा हमारा शौर्य ध्वज लेकर किसका इस भारत के युवाओं का हमारा शौर्य ध्वज लेकर वो चंद्रयान गाएगा हमारे प्राण माता भारती के पक्ष समर्पित हैं हमारे लहू का हर कतरा हिंदुस्तान गाएगा हिंदुस्तान गाएगा जय हिंद जय भारत बहुत बहुत बढ़ा